अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने लगातार विवादों में चल रहे दिल्ली में केदारधाम पर विवाद को लेकर मीडिया से बातचीत की। जनता के आक्रोश को देखते हुए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारधाम को लेकर विपक्ष द्वारा गलत अफवाह फैलाई जा रही है, जिसको लेकर अब विपक्ष बौखला गई है। उत्तरकाशी से विनीत कंसल की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रदेश के एसोसिएट मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार निरंतर जिस तरह से चारों धामों के लिए चिंता करते हैं, जिस तरह के उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं, चाहे यूसीसी का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, और उसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। आज उत्तरकाशी की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो है जो हमारे जेई का जो रिजल्ट खुला, उसमें जो है सबसे ज़्यादा लड़के जो उत्तरकाशी के निकले, बहुत गरीब लड़के निकले। हमारे जो जंगलात का रिजल्ट निकला वन विभाग का, आप पता कर लो कितने गरीब गरीब लड़के और कितने ज़्यादा लड़के उत्तरकाशी के निकले। तो ये दिख रहा है कि जो नकल विरोधी कानून पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो अंकुश लगाया, जो कानून बनाया, और अभी जो कैबिनेट के अंदर जो एक फैसला लाया कि धामों के नाम पर कोई भी ट्रस्ट और संस्था नहीं बनेगी, क्योंकि लोग जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक संविधान को ख़त्म करने के लिए जो लोगों ने, एक विपक्षियों ने जो एक पूरा माहौल बनाया, उसी तरह से इस प्रदेश के अंदर भी कुछ लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि धामी जो इतना अच्छा, धामी सरकार जो इतना अच्छा काम कर रही है, उस सरकार से उनके कामों से बौखला रही है।